हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सीएफटी को कंप्लीट किया था। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण तत्वों के संकुलों का चुंबकीय गुण। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए वहाँ पर फ्री ऑर्बिटल्स भी होते हैं जिससे वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। जिस भी मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंपाउंड्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के टू पोल्स होते हैं, दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उन्हें हम पोल कहते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ट्रांजिशन मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो दो तरह के मोशन पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स का मोशन करता है, ऑर्बिटल मोशन और एक्सियल मोशन। ऑर्बिटल मोशन में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट प्रेजेंट होती है उस ऑर्बिट में वो मूवमेंट करता है और उसी मूवमेंट के कारण उसे हम ऑर्बिटल मूवमेंट कहते हैं और उस मूवमेंट के कारण उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, उसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। दूसरा होता है एक्सियल मोशन। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है तो साथ ही साथ वो अपने एक्सिस पर भी मोशन करता है। इस पे एक्सिस पर उसके मोशन को हम एक्सियल मोशन कहते हैं और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को एक्सियल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ये जो एक्सियल और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं ये उसके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। हम किसी भी सब्सटेंस के बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके अक्षीय और कक्षीय आघूर्ण के कारण उसमें अंतरक्रिया के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसे हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला है अनुचुंबकत्व, पैरा मैग्नेटिज्म। ऐसे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। हम अनुचुंबकत्व के लिए उनमें पैरा मैग्नेटिज्म के लिए उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए तो ही वो पैरा मैग्नेटिज्म का गुण प्रदर्शित करता है। ये अनुचुंबकत्व पदार्थों को हम इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को बाय एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र में हैंग किया है तो वह उसके मैग्नेटिक रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेटिक रेस अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्व हो जाती है। किसी भी सब्सटेंस में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अनुचुंबकीय गुण उतना ही अधिक होगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी संक्रमण पदार्थ को अगर रख दिया जाए तो उसकी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है तो उसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और अगर वो विपरीत दिशा में होते हैं तो उनमें उसका मान कम हो जाता है। अब हम देखते हैं डायमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म के बाद हम देखते हैं डायमैग्नेटिज्म। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, जब किसी भी सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं और उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर्ड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, ये अपने से उन्हें दूर भेजने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इनमें चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो दूर की तरफ जाती हैं।
क्योंकि इनमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ को लटकाने पर इनमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसके लंबवत स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस तरह ये चुंबकीय बल रेखाओं के गमन में रोधक बनता है, चुंबकीय बल रेखाओं को दूर करने का प्रयास करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस में सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तथा इनके जो स्पिन्स होती है इलेक्ट्रॉन की वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती है। ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। इससे उनमें कुल परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान जीरो हो जाता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण तापमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह गुण सभी पदार्थों में पाया जाता है। चूंकि प्रत्येक पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा प्रतिचुंबकत्व युग्मित इलेक्ट्रॉनों का ही गुण होता है। प्रतिचुंबकत्व अनुचुंबकत्व का विरोधी होता है और अनुचुंबकत्व की तुलना में इसका मान सदैव कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हुए भी यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस का चुंबकीय आघूर्ण का मान डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से 100 टाइम्स अधिक होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, लोहा चुंबकत्व। यदि किसी पदार्थ को अनुचुंबकत्व का गुण इतना अधिक हो जाए कि उस पदार्थ में से हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तो भी वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, इस प्रकार के चुंबकीय गुण को हम लोहा चुंबकत्व कहते हैं या फेरामैग्नेटिज्म कहते हैं। यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी प्रेजेंट रहता है। ये गुण जो है वो संक्रमण तत्वों में आयरन में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे लोहा चुंबकत्व कहा जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रतिलोहा चुंबकत्व, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। यदि चुंबकीय आघूर्ण की अंतर क्रिया से पड़ोसी परमाणु समान अभिविन्यास की ओर प्रेरित होने लगे तो इस प्रकार के पदार्थ को लोह चुंबकीय कहते हैं तथा यदि युग्मित चक्रण की प्रवृत्ति विपरीत अभिविन्यास की ओर होती है तो यह पदार्थ प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाते हैं। इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में होने लग जाता है, इसीलिए इन्हें एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ए में हम देखते हैं कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनपेयर्ड फॉर्म में हैं और रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, वो पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। सेकंड डायग्राम में हम देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण उसके चुंबकीय गुण का मान बढ़ जाता है। उसे हम लोहा चुंबकीय कहते हैं या फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और तीसरे में हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन पहले वाले के विपरीत हो जाती है, जिससे उसके चुंबकीय वो लोहा चुंबकत्व होते हुए भी उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है। उसे हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो अभी हमने लोहा चुंबकत्व गुणों चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन किया कि किसी भी मेटल में सब ट्रांजिशन मेटल्स में कितने तरह के चुंबकीय गुण उपस्थित हो सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।